आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य सुधा सागर जी महाराज की अमृतवाणी विश्व कल्याण का संदेश दे रही है। मंगलवार को महामुनि ने मनुष्य की प्रवृत्ति को सदमार्ग पर लाने का सार बताया। मुनिश्री ने प्रवचनों के माध्यम से बताया कि किस तरह मनुष्य व्यसनों के अधीन होकर अपने दोनों लोकों को खराब कर लेता है। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन को प्रतिदिन हजारों भक्त एमवी जैन इंटर कॉलेज स्थित जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। मुनि श्री अपनी अमृतवाणी से विश्व कल्याण का संदेश दे रहे हैं। मंगलवार को महामुनि ने मनुष्य की प्रवृत्ति को सदमार्ग पर लाने का सार बताया। आज भगवान केवल उनको पापी कहते हुए बताया, उन्होंने अपने वर्तमान पर्याय इतनी पावन कर दी अतीत के जितने दाग थे वे सब गायब हो गए। दिखते ही इतने पावन हो गए, इतने पवित्र हो गए, इतना स्वच्छ चतुष्टय हो गए, इतने करुणावान हो गए, इतने दयावान हो गए, इतने उपकार हमारे ऊपर कर डाले। हमें उनके अतीत के दोष दोषी नजर में आए, दोषों को अकेले दुख हो तो आज जो जैन धर्म खतरे में पड़ा है उसकी जैन कौन हमारे महावीर स्वामी का जीवन। जितने आज दुनिया में कांटे हैं सब उन्हीं के गुरु। जब से निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास आगरा में स्थापित हुआ है, तब से मुनिवर के दर्शन को बड़ी संख्या में गुरु भक्त नगर में पधार रहे हैं। मंगलवार के दर्शन और प्रवचनों से अभिभूत हो रहे हैं। प्रतिदिन भक्तों के दिन की शुरुआत मुनिश्री के मंगल प्रवचनों के साथ हो रही है। बहुत आनंद, इनके प्रवचन शैली इतनी अच्छी है कि हर बच्चा बुजुर्ग जवान हर कोई इतनी आसानी से समझ सकता है। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लगता है जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अपने ऊपर ही बीत रही है। प्रवचन से एक होता है शास्त्र का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान हमें ज़्यादा मिल रहा है। महाराज जी आए हैं, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इनके दर्शन मैंने 1983 में किया था, जब ये क्षुल्लक वेश में थे। 1994 में जब ये आए थे उस समय मुझे बेबी हुई थी, तो इनके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुझे इनके प्रवचन में मंगलाचरण करने का सौभाग्य मिला। बहुत आनंद आ रहा है और प्रवचन जो सुनने को मिल रहे हैं उससे बहुत ही आत्मकल्याण होने स्वाभाविक है। और जो आज प्रवचन हुए हैं महाराज जी के वो बहुत ही मार्मिक रहे हैं, इससे पूरा जीवन पूरा परिवार सुखी और सम्मत रह सकता है। ऐसे साधुओं के हमें प्रवचन मिलते रहें तो मैं नहीं समझता समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और अच्छा वातावरण बनेगा। मैं महाराज जी से काफ़ी समय से मतलब जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ भी विद्यासागर जी के पास जाता हूँ या सुधा सागर जी जाता हूँ, एक अति उत्तम एक अनुभव होता है और जीवन में नई रूपरेखा और नए भाव मतलब पैदा होते हैं। अमृत सुधा वर्षा योग के दौरान आगरा नगर में धर्म की गंगा प्रवाहित हो रही है। मात्र बुजुर्ग नहीं बल्कि युवा भी पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रतिदिन गुरु दर्शन और प्रवचन सुन रहे हैं। मंगलवार को महाराज जी ने कहा कि मनुष्य व्यंजनों के अधीन होकर अपने दोनों लोक खराब कर देता है। मुनिश्री ने अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया। प्रवचन सुनने गुरुवर के प्रवचन सुनने के लिए आया था, बहुत ही मार्मिक प्रवचन रहा उनका। आज का समाज के जो कुरीतियाँ फैल रही हैं और बच्चे हमारे जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको साधने का, उनको रोकने का, उन्हें नया रास्ता बताने का जो आज उन्होंने प्रवचन किया है, हम समझते हैं कि हमारी समाज में एक इस तरह की कुरीति ख़त्म होगी और इस तरह का जो भी चल रहा है वो ख़त्म होगा और हमारी समाज के बच्चे बहुत आगे तरक्की करेंगे। और भगवान के जो जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार है उसमें मुनि महाराजों के जो आहार क्रिया है और उनकी निहार की क्रिया है और उनके सामायिक की क्रिया, समय की क्रिया, जो उनमें सब में सहयोग करते रहेंगे। आज हम, मैं अकेला ही नहीं, अपने 40-50 साथियों के साथ प्रयोग आए हुए हैं। यहाँ तक महाराज जी का आज का प्रवचन हमारी सामाजिक कुरीतियों और जो फैल रही है उनको अपने धार्मिक दृष्टि से समझाते हुए और उन्होंने दूर रहने का जो हमें मोटिवेशन
प्राप्त किया है वो सब हम सब के लिए अनुकरणीय है, माँ बाप के लिए भी और लड़कों लड़कियों के भी लिए जहाँ तक। और वैसे महाराज जी के दर्शन हमको समय समय में होते रहे, मैं इनके जिज्ञासा समाधान लगभग प्रतिदिन सुनता हूँ। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का जो चतुर्मास है फिरोजाबाद आगरा में, वो सिर्फ आगरा ही में नहीं, ये आसपास का जितना भी इलाका है टूंडला, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, ये सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज जो मुनिश्री ने प्रवचन दिया है वो बहुत ही मार्मिक, सिर्फ धार्मिक नहीं है लेकिन समाज को दृष्टिकोण रखते हुए बहुत ही सुदृढ़ प्रवचन था उनका। बहुत अच्छे तरह से, इतनी उत्साह उमंग उल्लास है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आचार्य, हम महाराज जी से विगत पिछले 35 सालों से जुड़े हुए हैं। मैं 22 साल से प्रबंध कार्यकारिणी का मेंबर हूँ चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र का, और बहुत जगह मिला, बहुत जगह ललितपुर, आवा, पवनजी, सवाई माधोपुर, कोटा, सभी दूर जहाँ भी लगभग होते हैं, बिजोलिया, चांदखेड़ी। मुनिश्री ने कहा कि मनुष्य अच्छे व्यंजनों का सेवन करे, इससे जीवन में अच्छे विचार रहते हैं, अच्छे विचार होने से मनुष्य सदमार्ग पर चलता है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।